दोस्तों, अगर आप भी रोहित को बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो उनके शतक से खुश हैं और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रोहित शर्मा ने शतक ठोककर इतिहास रच दिया है और आज कप्तान साहब रोहित शर्मा ने आखिरकार कैसे अपनी शतकीय पारी से न सिर्फ भारत की जीत लिखी बल्कि रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ दिए। दोस्तों, रोहित शर्मा की रिकॉर्ड तोड़ पारी और उनके रिकॉर्ड का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, रोहित बाबर आजम में बेहतर कप्तान कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, सीरीज जीत कर भी भारतीय क्रिकेट टीम तीसरे T20 मैच को जीतने के लिए सीरीज को 3-0 से अपने नाम करने के लिए मैदान में उतर चुकी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और अफगानिस्तान की टीम के बीच में 3 मैचों की T20 सीरीज खेली गई थी, जिसके 2 मैच हम जीत चुके थे, लेकिन तीसरा मुकाबला आज बैंगलोर के फेमस एम चिन्नस्वामी स्टेडियम में खेला गया। देखिए, ये T20 मैच खास इसलिए भी था क्योंकि वर्ल्ड कप 2024 से पहले ना ये हमारा आखिरी T20 मुकाबला होगा और ये अपने आप में एक चौंकाने वाली बात थी कि भारतीय क्रिकेट टीम कैसा प्रदर्शन कर रही थी। दोस्तों, रोहित ने टॉस जीतकर अपनी टीम के लिए पहले चुनी बल्लेबाजी। कायदे से तो हमारी शुरुआत ताबड़तोड़ होनी चाहिए, ताबड़तोड़ तो थी, लेकिन दोस्तों अफगानिस्तान के पक्ष में ताबड़तोड़ थी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, रोहित शर्मा ने आकर फरीद अहमद को पहले ओवर में 2 चौके जरूर लगाए और तीसरे ओवर में भी, लेकिन तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर जायसवाल 4 रन पर नबी के हाथों कैच आउट हो गए और चौथी गेंद पर कोहली 0 पर जादरन को कैच समा बैठे। और दोस्तों, ये सब देखकर हर कोई पूरी तरीके से भौचक्का रह गया था, लेकिन इसी खिलाड़ी ने दोस्तों जब आकर 5वें ओवर में पहली गेंद पर ही अजमतुल्ला ने शिवम दुबे को गुरबाज के हाथों कैच आउट करा दिया। दोस्तों, शिवम दुबे पिछले मैच के सुपरस्टार इस बार 1 रन पर आउट हो रहे थे और इस ओवर की तीसरी गेंद पर संजू सैमसन 0 पर नबी के हाथों कैच आउट हुए। ऐसा लग रहा था कि मानो केवल अफगानिस्तान की टीम ही इस मैच को खेल रही है। 22 रन पर हमारे 4 विकेट हो चुके थे और अब टीम को केवल एक पारी नहीं बल्कि एक बड़ी पार्टनरशिप की जरूरत थी, जो मिली टीम को दोस्तों रोहित और रिंकू सिंह के रूप में। दोस्तों, मजाल है कि सभी विकेट गिरने के बावजूद भी रोहित और रिंकू के माथे पर शिकन आई है। उल्टा रोहित शर्मा ने तो अजमतुल्ला को आते ही चौका जड़ दिया और काइस अहमद को भी 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर। खैर दोस्तों, पारी के 8वें ओवर में रिंकू ने छक्का जड़कर इस मुकाबले की असली शुरुआत करी। सलीम सैफी नाम के गेंदबाज थे, उनको रिंकू ने एक शानदार छक्का जड़ा और लेंथ डिलीवरी पर एक शानदार सिक्स देखकर अब ये खिलाड़ी बौखला गया था। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर दोस्तों बिहाइंड स्क्वायर लेग पर ना रोहित शर्मा ने भी अपना नटराजन स्टाइल में छक्का जड़ दिया। इतना नहीं दोस्तों, रिंकू सिंह ने पारी के 10वें ओवर में एक चौका भी लगाया और 10 ओवर में हमारी टीम 64 पर पहुंच चुकी थी, जिसमें दोस्तों रिंकू सिंह ने 18 गेंदों में एक चौका एक छक्का जड़कर 20 रन बनाए। इधर रोहित शर्मा भी 33 गेंदों में 3 चौके एक छक्का लगाकर 27 रन बना चुके थे। कहने को दोस्तों ये 10 ओवर में अभी हमारे 70 रन के आसपास है। स्कोर भले ही कम था लेकिन 4 विकेट 20 पर गिर जाएं और उसके बाद 50 रन 2 खिलाड़ी बनाए, वह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आगे चलकर दोस्तों रिंकू रोहित की यही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी रहती है और अफगानिस्तान की टीम का बैंड बच ही जाता है। और दोस्तों, रोहित और रिंकू की यही धाकड़ पारी ना आज भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अच्छी तो साबित हुई, लेकिन असली मजा आया रोहित के चौके छक्के वाले शतक को देखने में, जिससे कि दोस्तों आज उन्होंने इतिहास रच दिया है। दोस्तों, रोहित शर्मा अपने अर्धशतक तक तो पहुंचे ही, उसके बाद तो इतने बेबाक हो गए कि पीछे मुड़कर नहीं देखा उन्होंने। दोस्तों, रोहित ने पारी के 12वें ओवर में अशरफ को 2 बैक-टू-बैक छक्के लगाए और उसके बाद तो केवल छक्के लगाते चले गए। सलीम सैफी के ओवर में भी उन्होंने 2 छक्के चढ़े। इनफैक्ट दोस्तों, करीम नाम के खिलाड़ी को भी छक्के लगाए और अजमतुल्ला के उस 19वें ओवर की बात है जब दोस्तों रोहित शर्मा ने छक्का चौका और चौका जड़कर एक स्टाइल में अपना शतक पूरा किया। दोस्तों, रोहित शर्मा को शतक तक पहुंचने में मात्र 64 गेंदें लगी। 160 के स्ट्राइक रेट से इस खिलाड़ी ने पूरे 103 रन बना दिए थे। रोहित की इस पारी से दोस्तों भारत का स्कोर 170 पर तो पहुंचा ही, साथ ही रोहित ने एक बहुत बड़ा भीम का रिकॉर्ड भी बना दिया है। दोस्तों, T20 की बात करें ना तो रोहित शर्मा के नाम अब पूरे 5 शतक दर्ज हो चुके हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है किसी भी कप्तान के लिए, और ऐसा करने वाले बस चुनिंदा ही खिलाड़ी हैं। इतना नहीं, उनके रन्स भी 3900 से ज्यादा हो चुके हैं T20 में। तो रोहित शर्मा के शतक और रिकॉर्ड को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।